हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर इजी एंड हेल्दी कुकिंग। सुबह की जल्दबाजी में बच्चों को कुछ हेल्दी और टेस्टी खिलाना चाहते हो तो इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखना। बच्चे और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनानी है। ये मैंने एक लौकी ली है, घिया भी बोलते हैं। ये लौकी लगभग आधा किलो की है और लौकी आप जो भी लो कच्ची होनी चाहिए। इसको हम छील लेंगे, छिलका इसका उतार देंगे और छिलका उतारने के बाद चख जरूर लीजिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कड़वी लौकी कभी नहीं खानी चाहिए। तो ये देखिए इसको छील लिया है, तो अब इसको ग्रेट करेंगे, कद्दूकस करेंगे। और ये देखिए इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अब एक बड़ा बर्तन लेते हैं और इसमें हम 2 कप गेहूँ का आटा डालेंगे। ये जो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ 4 मेंबर के लिए है, तो मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आपके घर में जितने मेंबर हों उस हिसाब से ले लीजिए। और ये जो गेहूं का आटा है इसमें चने का आटा मिक्स है। आप चाहें तो 2 चम्मच बेसन मिला सकते हैं या 2 चम्मच सूजी मिला सकते हैं या फिर ऐसे ही ले लीजिए। और इसमें ये ग्रेट की हुई लौकी अब डाल देंगे। ये लौकी भी हमारी 2 कप है। और 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, प्याज का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आधी चम्मच इसमें नमक डालेंगे और आधी चम्मच से थोड़ी कम हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच कच्चा जीरा डालेंगे। ये जीरा भी ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी इसमें कसूरी मेथी डाल लेंगे और सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता हम बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाएंगे। अपने टेस्ट के अनुसार इसमें अपना नमक मिर्च डाल लीजिए और इसको पानी डाल के घोल लीजिए। इसमें मैंने लगभग 1 गिलास पानी डाल दिया है। इस तरह का आप इसको बना लीजिए, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ज़्यादा पतला, इस तरह का आप देख लीजिए। जब ये इस तरह का हो जाए ना, अगर आपके पास टाइम है तो इसे 10-20 मिनट ढक के रख दीजिए, और टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी टाइम भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जब आप इसे 10 मिनट रेस्ट दे देंगे तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा पहले से, क्योंकि लौकी भी पानी छोड़ती है और प्याज भी पानी छोड़ता है। तो ये देखिए इस तरह का, अगर आपका ये बैटर ज़्यादा पतला हो जाए ना तो थोड़ा आटा मिला सकते हैं और नमक मिर्च भी इसमें चख लीजिए इस टाइम। तो अब लेते हैं एक तवा, ये मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है। आप इसे लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में बना रहे हैं तो फिर नॉनस्टिक तवे पर ही बनाइए, आराम से बन जाएंगे। तो तवे को थोड़ा चिकना कर लेते हैं घी लगा के, और तवे को आपने गरम करके ठंडा कर लेना है। हल्का जब ये ठंडा रहे उस टाइम आपने डालना है, ये मैं 1.5 चम्मच डाल देती हूँ। जितने भी बड़े आप बनाना चाहें उसी हिसाब से बैटर डालिए और चम्मच से फैला दीजिए, आराम से ये फैल जाता है, कोई मुश्किल नहीं आती। ज़्यादा गर्म तवे पे अगर डालेंगे ना तो फिर चिपकेगा, तो इसलिए लो फ्लेम करके फैलाना और हल्के गर्म तवे पे फैलाना। ये देखिए इस तरह से मैंने फैला दिया है, थोड़ी देर एक साइड से सिकने देंगे। जब ये ऊपर से हल्का हल्का डार्क हो जाएगा ना, सूखा सूखा हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी थोड़ा घी लगा देते हैं और इसे पलट देंगे। ये नॉनस्टिक तवा है, इस पर हम बिना घी लगाए भी बना सकते हैं, और घी लगाना चाहें तो घी लगा के बना लीजिए। दोनों साइड से हम इसी तरह इसको सेक लेंगे, जब थोड़ी देर नीचे से सिक जाएगा उसके बाद पलट देंगे, और पलट पलट के इसको हम दोनों साइड से सेक लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये चीला बन के तैयार हो गया है, लौकी का चीला। इस तरह हम सारे बनाएंगे, तवे को थोड़ा चिकना करके बैटर को इस पर फैला देंगे, और एक साइड से पक जाएगा जब दूसरी साइड पलट देंगे, और दोनों साइड से पलट पलट के सेक लेंगे। तो इस तरह से हम सारे बना के तैयार करेंगे। जब बच्चे ये कहें ना कि लौकी की सब्ज़ी नहीं खानी, तो लौकी की सब्ज़ी क्यों खिलानी है आपने, आप ये लौकी के चीले बनाइए, सारे चट कर जाएंगे, बड़े टेस्टी बनते हैं। और ये देखिए इतने बैटर में ये 10 चीले बन के तैयार हुए हैं, और देखिए आप कितने बढ़िया बने हैं, एकदम सॉफ्ट हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनसे। आप दही के साथ खाइए, बड़े ही टेस्टी लगते हैं, बच्चे और बड़े खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं एक और हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।